और अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल। कोई घबराने वाली बात नहीं है, खुशखबरी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ और वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा कि क्या खुशखबरी है। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार। भाई मैं आ गया हूँ, इस हॉस्पिटल का नाम है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल और अभी पार्किंग में हूँ, बाइक मैंने यहाँ पे लगा दी है। थर्ड फ्लोर में मेरे को जाना है और अभी बताता हूँ कि क्या खुशखबरी है। तो भाई फाइनली आ गए हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो। वैसे किसी को पता नहीं है कि क्या खुशखबरी है। क्या खुशखबरी तो भाई? खुशखबरी है कि ये बच्चा सा दिखने वाला बंदा पापा बन गया है। एक्चुअली में आप लोग भी शॉक हो गए होंगे कि भाई मैं अभी तो मैं खुद बच्चा देख रहा हूँ, बट यार ये हकीकत है, बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चे का सी एज है। तो यार फाइनली मैं पापा बन गया हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। और ये तो पापा बन गया है और मैं चाचा बन गया हूँ बिल्कुल, और कोई दादी बना है, कोई दादा बना है, तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बने हैं। बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आज के आज होगा, क्योंकि आज कल का एक्सपेक्ट कर रहे थे रात को। तो मेरे पास एक कॉल आई यहाँ से कि आप ऊपर आ जाओ, मुझे लगा डॉक्टर आई होगी विजिट करने के लिए कि चेकअप करने के लिए। उन्होंने बोला बधाई हो, लड़का हुआ है। मैं शॉक में, मतलब मैं हंस रहा हूँ। तो अभी ये कुछ फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चा बच्चे की आवाज़ भी आ रही है, वही है क्या है कसम से? कौन है अंदर, मम्मी है क्या? नहीं कोई नहीं, वहाँ जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ मैं अलाउड था, बट अभी भी मैं। चल तू देख के आ चुका है ना? हाँ भाई, अभी अभी धीरे बात कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा अंदर हैं। क्या हो गया? बधाई बधाई। क्या बन गए भाई साहब? आप चाचा बन गए और आप दादी बन गए, मम्मी बन गई, सेलिस पापा बन गए और तेरे पापा दादा बन गए। मैं ही नाना बन गए, मैं ही बोल रहा था कि हर कोई कुछ ना कुछ बन गया है, चाचा दादा दादी नाना। तो यार यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं रूम में, और ये रूम है मम्मी रेस्ट रूम है ना, मतलब कि परिवार के अगर कोई भी सदस्य आ रहे हैं तो यहाँ पे वो आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और भाई तो अपना लैपटॉप वगैरह सब लेके आ रखा था कि भाई मैं बैठ के काम करूंगा। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको दादी जी। सबको धन्यवाद। हाँ जी, दादी जी का ठप्पा ठप्पा लग गया दादी जी का है। दादी बन गए हम तो, दादी बन गए फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात है। और आप चाचा बन गए, हम दादी बन गए। वैसे वैसे मैं एक बात बता दूं कि हम लोग जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज के दिन डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि आज सुबह ही भाभी को हमने एडमिट किया हुआ था, तो हम तो लगे कि आराम से भोल तक हो जा लो, तब भोल शाम तक, मतलब कि हमारा रूम छो ना कि भोल शाम तक, कल तक बोल रखा था ना डॉक्टर ने, पर एकदम से अभी थोड़ी देर पहले, मतलब एक घंटे पहले उन्होंने, मतलब 10 बजे करीब, हाँ कितने 10 बजे करीब, रात को 10 बजे बेबी बॉय हुआ है, लड़का हुआ है, दी तो पनीच है, अब तीसरा हुआ है, अब तीसरा और आ गया, तब अब तीसरा भी आ गया है। अब बोनी बोल की मम्मी बोनी बोल वो दी समझ लेने से मेरा तीसरा और आ गया है, वो तो समझ ले जा, वो आराम से समझ ले जा, उसके जैसे ही लग रहा हो, वो नहीं छोटा सेम जो छोटा हो, हां तो छे गोल मुको गोल 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 गप्पा, वो जून नहीं जन अब हुआ है सगर सेम था, हां उन छे वो। तो हमने फोटो, मैंने तो फोटो देख, फोटो देख मिला, मैं देख, तूने भी नहीं देखा बच्चा? हां मैं देखा, सही में। हां वैसे खाली वो पापा का इजाजत है कि वहां मैंने मैंने हमने वैसे फोटो देख ली, उसने फोटो क्लिक कर ली थी, और मैंने हल्का सा भी झलक देख ली ना जब दरवाजा खोला उसने, हल्का सा सामने हल्का सा दिखा, वो पूरा ढंग से नहीं दिखा, पर अभी मेरे कल कब देखने को मिलेगा भाई, कल अभी एक दो घंटे बाद नीचे, ठीक है ठीक है ठीक है, कि आप क्या पता थोड़ा रखेंगे उसको ऑब्जर्वेशन में ना, 2-3 घंटे रखेंगे वहाँ उसको। तो ठीक है भाई, तो बहुत बहुत बधाई हमको भी और आप सभी लोगों को भी, और अब वो शायद आपको कुछ टाइम बाद हमारी वीडियोस में भी थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा, बीच बीच में तैयार रहिए आप एक और सदस्य को देखने के लिए। लोगों को भी बहुत बहुत बधाई सबको। और यार ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल का नाम है हीलिंग ट्री करके है, जो कि इंदिरापुरम या शक्तिखंड के आसपास से पड़ता है। तो पहले ना भाई लोग हॉस्पिटल देख के ऑलरेडी जा चुके थे, 2-3 हॉस्पिटल वो देखने गए थे कि कहाँ पे हम डिलीवरी करवा सकते हैं, तो ये सबसे उनको बेटर लगा कंपेरेटिवली, क्योंकि साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी है और जो डॉक्टर है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो ये हमने चूज़ किया। और मतलब सही है, जैसे जैसे कि आपकी आपकी फैमिली को ना पूरा वेटिंग रूम एक मिल जाता है यहाँ पे, तो शीशा ही लगा हुआ है और आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। और यार आज मैं जब ऑफिस में था ना, तो मैं ऐसे ही मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि 1-2 दिन में तो डिलीवरी हो ही जाएगी, तो मैंने अपने जो ऑफिस के फ्रेंड्स थे मैंने उनको बोला कि तुम्हें ना मंडे को मिठाई खिलाऊंगा मैं,
मतलब मीठे में कुछ खिलाऊंगा तुम्हें बढ़िया सा। तो वो बोलने लग गए कि मतलब कि क्या है क्यों और ये वो। मैंने कहा मंडे को खाएंगे आराम से, मैंने कहा मीठा लेके आऊंगा कुछ। और मंडे की बात मैंने करी थी, आज थर्सडे है और कल फिर फ्राइडे है, कल ऑफिस तो है ही मेरा, तो मतलब कल ही मीठा खिलाना पड़ेगा, कल ही मिठाई बांटनी पड़ेगी। तो यार भाई अभी आ गया है, कुछ फॉर्मेलिटीज जो है कंप्लीट करानी थी। कितनी फॉर्मेलिटीज होती है भाई बच्चे के साथ? भाई सही बताओ, जब से मतलब बच्चा डिलीवर हुआ है तब से उनके मेरे पास मतलब 10-12 कॉल आ गए कि भैया फॉर्मेलिटीज कब पूरी करोगे। अच्छा। अब मैं कर ही नहीं रहा क्योंकि मैं इधर उधर जा रहा हूँ, कभी मतलब वाइफ के पास, कभी बच्चे के पास, कभी ये वो, तो मैं उसी में घुसता। मैंने फॉर्म भी जो उन्होंने भरने के लिए दिया मैंने आधा घंटा लगाया, अब वो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं भैया कब भरोगे। पता कमेंट में लोग क्या बोलेंगे, कमेंट में वो लोग बोलेंगे कि यार ये तो पापा लग ही नहीं रहा यार, ये तो खुद को अच्छा लग रहा है। मतलब उनके लिए ये है कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, कई लोगों ने सोची शादी नहीं हुई है अभी तक। शादी हो चुकी है भाई, शादी हो गई थी, दो ढाई साल हो गए थे शादी को, लगता नहीं, वो अलग बात है, वो सभी बोलते हैं क्या करे, पहाड़ी लोग होते ही ऐसे हैं, पहाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं। ये भी कहाँ ये भी कहाँ दादी लग रही है, शक्ल से दादी छोड़ने लग रही है। तो फॉर्मेलिटीज हो गई कंप्लीट, और अब क्या कुछ बताया डॉक्टर ने कब मिल सकते हैं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है ना, मम्मी ने देखा अभी तक, बस तूने तूने देखा है। बच्चा गया मेरे पे, वो मैंने भी देख लिया, बच्चा गया मेरे पे, और अभी वो जस्ट जब वो शिफ्ट कर देंगे मदर के साथ बच्चा, तभी वो बुलाएंगे एक बार, तो तब हम देख सकते हैं। आधे घंटे 15-20 मिनट पहले मिलके आई मम्मी, और मैं भी मतलब आधा घंटा हो गया था मुझे मिलने, मम्मी नीचे आए, मैं अपना यहाँ पे काम भी करा था ऑफिस का, तो 10 बजे डॉक्टर को मिलना था, मतलब उनको आना था अपनी क्लिनिक से, इनको एकता को देखने के लिए। तो मेरे पास फोन आया कि आप ऊपर आ जाओ, मैंने कहा डॉक्टर आ गई होंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब डॉक्टर आए थे तो उन्होंने मुझे फोन किया था कि आ जाओ, तो मैं डॉक्टर से मिला, मैंने कहा इस बार भी सेम हो। तो मैं गया ऊपर, मुझे लगा डॉक्टर आ गए होंगे, उन्होंने वो बोलेंगे कि चलो यार दवाई ववाई डालनी है या फिर कैसा है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्होंने मेरे को NICU कोई रूम है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो क्या है, जहाँ पे बेबी को रखते हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया, और बेबी था, मुझे लगा किसी और का बेबी है, उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा मजाक कर रहे हो क्या, और मैं हंस रहा था, कह रहा हाँ आप एकता, मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कि वो किसी और के नाम से मुझे दिखा रहे हैं, कि उनको लगा कि कोई और मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और मैं हंस रहा, मैंने कहा ये कैसे हो गया, अभी तो 15 मिनट पहले मिलकर आए थे हम, और डॉक्टर ने बोला कल होगा, आज की जगह कल होगी डिलीवरी। अब वो मतलब तो हम लोग ही लेके चल रहे थे कि कल ही होगा, बिल्कुल हम तो वही लेके चल रहे थे। विद इन हाफ एन आवर भाई क्या चेंज हुआ, जज्बात बदल गए, सब बदल गए भाई, पता नहीं क्या हो गया। और बहुत परेशान करा ना, अपने भी नहीं पाए ले दादी है, चलो की शक्ल है भाई, पापा की शक्ल, पापा अरे देख रहा है। बच्चा और बच्ची की मम्मी सब लोग आ गए हैं, और ये है आर्ट, और ये है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट और आर्ट, तभी तो वो बहुत ज्यादा अंगड़ाइयां ले रहा है, आंख वाँख भी आंख वाँख भी खोल रहा है बढ़िया से। दादी जी ये बुढ़ी डेंगू में दादू, बुढ़ी डेंगू में दादी बनना, दादी बनना मतलब बुढ़ी बुढ़ी होना होता है, बस कि बुढ़ी हो गए हो, बुढ़ी डेंगू मेरे, अरे